वर्कआउट प्लान अगर आपका सही होगा ना, तो आपके फिटनेस गोल्स आप जल्दी अचीव कर सकते हो और आसानी से अचीव कर सकते हो। लेकिन बिगिनर्स को आमतौर पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि उनके लिए कौन सा वर्कआउट प्लान सही रहेगा। दो सिंपल बातें अपने दिमाग में रखो, जितने भी स्प्लिट टाइप वर्कआउट प्रोग्राम है ना, चाहे वो ब्रो स्प्लिट है, चाहे अपर बॉडी लोअर बॉडी है, पुश पुल लेग है, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिगिनर्स के लिए ये है कि आपकी वीकली वर्कआउट वॉल्यूम ना इनमें अननेसेसरीली ऊपर जा सकती है बहुत ज्यादा। क्योंकि एज अ बिगिनर अगर आपकी जरूरत 6 से 8 सेट्स है एक मसल के लिए, एक वीक में आपने इतने सेट लगाने हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने सपोज करो कि ब्रो स्प्लिट आपने चूज कर लिया, एक दिन आप आए चेस्ट लगाने के लिए और 2 एक्सरसाइज करके तो आप जाओगे नहीं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप चेस्ट को ओवरट्रेन करोगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात, जो मेरी रिकमेंडेशन है आपको एज अ बिगिनर, कि आप फुल बॉडी वर्कआउट्स अगर आप करोगे ना, तो वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे। और उसका रीजन क्या है कि सपोज करो कि आप जिम में आते हो, सारी बॉडी की आप एक्सरसाइज करते हो, सभी बॉडी पार्ट्स के 2-2, 3-3 सेट अगर आप लगाओगे, तो हफ्ते में जितनी वर्कआउट वॉल्यूम एक मसल को चाहिए वो आप हिट कर सकते हो, और हफ्ते में आपको 2-3 बार सिर्फ जिम में आने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं।